Hello children, in this video we will cover entire chapter of database query using SQL. Okay, first we have mass function. First function is power function. The power function returns the value of a number raised to the power of another number. पावर फंक्शन का क्या यूज है? पावर फंक्शन की हेल्प से हम एक नंबर को उसकी पावर तक रेस करते हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? पावर फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. यहाँ पे जब इसका सिंटेक्स देते हैं, देखते हैं हम लोग, तो ए क्या है? नंबर, और उसकी पावर क्या है? बी. राइट, ओके, समझ आया? तो ए को ये कहाँ तक रेस करेगा? बी तक, जहां तक उसकी पावर है. ओके, तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं. देखो, सिलेक्ट पावर 4 2, तो 4 क्या है? नंबर, और 4 की पावर क्या है? 2. राइट, पावर का मीनिंग क्या होता है? उस नंबर को आप जितनी भी पावर दी गई है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. राइट, तो 4 raised to power 2 मीन्स 4 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे 4 into 4 आएगा. राइट, जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स वो नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. वी नो इट वेरी वेल. ओके, तो यहाँ पे क्या है? पावर फंक्शन का क्या यूज है? इसके अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो. एक आपका नंबर होता है और दूसरी उसकी पावर होती है. ओके, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. जो भी नंबर होता है और बाय डिफॉल्ट और उसकी जो भी पावर होती है वो आपके पास रिजल्ट आ जाता है. तो देखो, यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया है. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. सिलेक्ट पावर 3 4, तो यहाँ पे नंबर क्या है? 3 और उसकी पावर क्या है? 4. राइट, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 4 टाइम्स. 3 into 3 into 3, ओके, इंटू 3. राइट, 4 टाइम्स. तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ गया 81. ओके, तो सिंपली पावर फंक्शन का क्या यूज है? ये किसी भी नंबर की पावर का रिजल्ट आपको शो करता है. राइट, और इसके अंदर आप 2 आर्ग्यूमेंट को पास करोगे, जो 1 नंबर और 2nd उसकी पावर. ओके, नेक्स्ट वी हैव राउंड फंक्शन. द राउंड फंक्शन इन माई एसक्यूएल इज यूज टू राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. राउंड फंक्शन का क्या यूज है? राउंड फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी नंबर को पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ कर सकते हैं. ओके, जैसे आप एवरेज निकालते हो, मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकालते हो, तो उसमें क्या होता है? आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वी हैव लॉट्स ऑफ डिजिट्स. तो क्या करते हैं टीचर्स? क्या करते हैं? उसका राउंड ऑफ कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे राउंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करें? राउंड ऑफ कर रहे हैं. राइट, इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर राउंड ऑफ. अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा? इट राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो वो क्या कोशिश करता है कि वो अपर राउंड ऑफ मीन्स एक उससे थोड़ी सी अबव इंटीजर जो वैल्यू होती है वहां तक राउंड ऑफ कर देता है. ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? पहले इसका सिंटेक्स देखो. राउंड फंक्शन के अंदर आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है. फर्स्ट आपका क्या है? नंबर, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है. सेकंड आपका क्या है? डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पे आप बताओगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए. डेसिमल प्लेसेस मीन्स डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए. ठीक है, अपने नंबर में डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए. ओके, एक्स द नंबर विच इज टू बी राउंडेड. एक्स क्या है? हमारा वो नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है. और डी क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अप टू विच द गिवन नंबर इज टू बी राउंडेड. ओके, तो डी से हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए. ओके, और यहाँ पे डी जो आपका आर्ग्यूमेंट क्या है वो ऑप्शनल है. आप इसको पास कर भी सकते हैं राउंड फंक्शन में, और इट्स योर विश, आप उसे नहीं भी पास कर सकते. ठीक है, इफ नॉट गिवन इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर. और अगर आप डी को नहीं स्पेसिफाई करते हो राउंड फंक्शन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक राउंड ऑफ कर देता है. ओके, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं. सिलेक्ट राउंड. हमारे पास नंबर है, फ्लोट नंबर है 15.193. ठीक है, और हमने क्या दिया है? डेसिमल प्लेसेस में 1. तो 1 का मतलब हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही क्या करना है? राउंड ऑफ करना है इसका. ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ पे? हमारे पास रिजल्ट आया 15.2 राउंड ऑफ. ओके, ठीक है, तो 193 जो हमारे पहले क्या थे? 3 डिजिट थे, अब उसकी प्लेस पे क्या है? 2. ओके क्योंकि हमें क्या चाहिए था आफ्टर डेसिमल 1 ही डिजिट चाहिए था। और नियरेस्ट मैंने क्या बताया था, जब हम राउंड ऑफ करते हैं हम उससे जो अपर इंटीजर वैल्यू होती है वो यूज़ करते हैं। तो 1 से अपर क्या है यहाँ पे 2 है। ओके तो 19 था 193 तो इसकी 1 तो बेसिकली 1 से जो अबव है वो 2 है तो हमने यहाँ पे 2 को ले लिया है। फाइन ओके नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट राउंड 345.156 ये हमारे पास नंबर है एक फ्लोट नंबर है। अब यहाँ पे हमने डी को स्पेसिफाई नहीं किया डेसिमल प्लेसेस को स्पेसिफाई नहीं किया नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा ये इसको नियरेस्ट डेसिमल क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू तक इसको क्या कर देगा राउंड ऑफ कर देगा। तो इसने क्या किया आफ्टर डेसिमल जो डिजिट थी उनको हटा दिया और 345 आपका रिजल्ट आ गया इंटीजर रिजल्ट। ओके तो राउंड फंक्शन क्या करता है इट इज यूज्ड for round off of the number, right? Next we have mod function. The mod function returns the remainder of a number divided by another number. अब mod function क्या करता है यहाँ पे हम दो number का क्या कर रहे हैं division कर रहे हैं और तो यहाँ पे mod function से हमें क्या मिलता है हमें remainder मिलता है। ठीक है तो यहाँ पे x क्या है number है ठीक है और y क्या है यहाँ पे y क्या है y हमारा डिविजर है मतलब x हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिविजर वो हमारा y है। आर यू गेटिंग मोड की हेल्प से क्या करते हैं हम डिवीजन करते हैं मतलब हमें दो नंबर का डिवीजन का रिजल्ट मिल जाता है रिमाइंडर मिल जाता है रिमाइंडर राइट। तो x हमारा क्या है डिविडेंड वो नंबर जिसको हम डिवाइड करें किससे डिवाइड करें y से तो y क्या है हमारा डिविजर। ओके द मोड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर इफ द डिविजर इज 0 इट रिटर्न्स नल। ठीक है अगर आपका y क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा नल। फाइन ठीक है आप इसको ऐसे भी स्पेसिफाई करते हैं मोड विद इन सर्कुलर ब्रैकेट यू विल पास द नंबर एंड द डिविजर। फाइन या फिर आप सिंपली लिखो x मोड y। फाइन यहाँ पे x आपका डिविडेंड है और y आपका डिविजर है और आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं x मॉड्यूलस y। फाइन तो देखो यहाँ पे x क्या है अ वैल्यू डेट विल बी डिवाइडेड बाय y एंड y इज द डिविजर विच विल डिवाइड द डिविडेंड। ओके एंड इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द डिविजर। तो मोड फंक्शन क्या करता है दो नंबर्स के डिवीजन का रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। फाइन नाउ हियर वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ मोड फंक्शन सिलेक्ट मोड 11 4 तो यहाँ पे 11 डिवाइड होगा 4 से और उसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3। ठीक है समझ आ गया यहाँ पे देखो अगर सिंपल आपको समझ आए तो यहाँ पे 11 क्या है नंबर है ठीक है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिवीजर क्या है 4। ठीक है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 3 4 2 आप 8 कर दो तो आपका ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। ओके दैट वी हैव गॉट। फाइन देन सिलेक्ट मोड 4 डिवाइडेड बाय 0 तो अगर आपका डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है नल आता है आपका। फाइन नाउ सिलेक्ट मोड 18 अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट 18 मोड 2 लिखा हुआ है तो सिंपली ये भी अलग अलग सिंटेक्स में यूज करते हैं लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा व्हेन यू डिवाइड द 18 बाय 2 तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है और 18 मॉड्यूलस 4 ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी हम क्या करें मोड फंक्शन का यूज करें तो आपका रिजल्ट आ गया है 2 सॉरी और रिजल्ट क्या है दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शंस। ओके सो द फर्स्ट फंक्शन इज अपर और यूकेस फंक्शन द अपर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू अपर केस। अपर फंक्शन क्या करता है अपर फंक्शन के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग जो भी टेक्स्ट पास करते हो वो उसको क्या कर देता है उसके सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है मींस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है राइट। ओके अपर फंक्शन को आप यूकेस फंक्शन भी यूज कह सकते हो राइट आप यूकेस लिखोगे तो वो भी बात क्या है दैट इज सेम राइट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं सिलेक्ट अपर अपर की हमने अपर फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन। फाइन, तो आप रिजल्ट देखो इसने क्या किया, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इस फन के सारे कैरेक्टर्स थे, जो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स थे उसको क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया है, कैपिटल लेटर में कर दिया है। फाइन, ऐसे आप सिलेक्ट अपर करके किसी भी कॉलम नेम को यूज कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट अपर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नेम जो टेबल एम्प्लॉय का जो कॉलम है एम्प्लॉय नेम, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज के नेम होंगे वो किस में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। फाइन, ऐसे ही आप अपर कीजिएगा यूकेस यूज कर सकते हो, सिलेक्ट यूकेस एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन। तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन। ठीक है, सिलेक्ट यूकेस माइक टेस्टिंग 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया माइक टेस्टिंग 1 2 3। ऑब्वियसली नंबर का कोई केस नहीं होता, तो इट विल कम एज इट इज। आपका जो लेटर्स है, जितने भी लेटर्स हैं जो पहले से अपर केस में थे वो एज इट इज आ गए, और जो लोअर केस में थे वो कन्वर्ट होके आ गए। फाइन, तो अपर केस का क्या यूज है, इट विल कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड इन द अपर फंक्शन इनटू अपर केस इनटू कैपिटल लेटर्स। राइट, नेक्स्ट वी हैव लोअर function or L case. The lower function converts all the characters in the specified string to lower case, right? अब lower function का क्या यूज होता है, इसके अंदर आप जो भी string pass करोगे उसके वो जितने भी characters होंगे उसको convert कर देगा lower case में, small letters में, right? Select lower, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पास किया, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, जितने भी उसके अंदर जो ऑलरेडी स्मॉलर केस में थे, लोअर केस में थे वो एज इट इज आ गए, और जो अपर केस में थे दे हैव कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस। फाइन, ओके, आप लोअर कीजिए एल केस भी यूज कर सकते हो, सिलेक्ट एल केस एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन। फाइन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस। फाइन, सेम हियर, select L case mic testing 1 2 3. Now here you can see all the characters have converted into small letters. Fine, ऐसे आप इसको जब अगर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर टेबल दी हुई है तो आप select lower, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, लेटर्स टेक दैट एग्जाम्पल, select lower एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम जो कॉलम होगा उसके जितने भी नेम्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज के नेम होंगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे एम्प्लॉय टेबल के। तो अगर आप टेबल के साथ यूज करें तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट वी हैव मिड फंक्शन और सब स्ट्रिंग फंक्शन और सब str, right? तो ये तीनों फंक्शन सेम है। ठीक है, द सब स्ट्रिंग फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का क्या यूज है, सब स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं, मतलब उस स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट को निकाल सकते हैं। राइट, द सब str एंड मिड फंक्शन आर सेम एज सब स्ट्रिंग फंक्शन। वो मैंने आपको बताया, चाहे मिड फंक्शन आए, चाहे सब स्ट्रिंग फंक्शन आए, चाहे सब str फंक्शन आए, दे ऑल आर, दे थ्री आर सेम। फाइन, इन इसका सिंटेक्स क्या है, सब स्ट्रिंग, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग हमने पास किया है, ओके, जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है। ओके, स्टार्टिंग करेक्टर, किस करेक्टर से स्टार्ट करना है, एंड लेंथ, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें लेने हैं। ठीक है, ओके, तो स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, वो स्ट्रिंग जिसमें से हम सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। स्टार्ट, the start position can be both a positive or negative number. If it is positive number, this function extracts from the beginning of the string. If it is negative number, this function extracts from the end of the string. ठीक है, तो ये क्या है, हम पोजीशन बता रहे हैं कि किस कैरेक्टर्स, मतलब किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है सब स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नंबर आप इसमें यूज करते हो तो क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग से ये क्या करेगा, बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग से आपके सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। और अगर आप नेगेटिव नंबर यूज करें तो स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट करेगा। राइट, इसे अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देन लेंथ, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको कितने कैरेक्टर्स एक सब स्ट्रिंग के अंदर चाहिए। राइट, इफ ओमिटेड द होल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन। और अगर आप लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो आप स्ट्रिंग है वो आपके पास आ जाएगी एज अ सब स्ट्रिंग। फाइन, अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल है, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 6 और कितने हमें कैरेक्टर्स चाहिए 4। फाइन, तो अब इधर देखो, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 ओके 4, एक स्पेस कैरेक्टर हो गया, 5 एंड 6। यू जो हमारा है वो 6th करेक्टर है। SQL और हो गए 3, देन हमारा एक बीच में स्पेस करेक्टर है, देन T एंड U हमारा 6th करेक्टर है। और 6th करेक्टर से हमें कितने करेक्टर्स चाहिए, लेंथ कितनी है 4, मतलब 4 करेक्टर्स चाहिए। तो UTOR ये आपका क्या गया रिजल्ट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं सर्चिंग SQL ट्यूटोरियल -64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो हमने इसको जो काउंटिंग स्टार्ट करी वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से की है। ओके अब यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे पीछे से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग के एंड से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, तो जो हमारा टी है वो 6 पे आ रहा है। ठीक है, और हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए 4, तो TORI ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके तो ये समझ में आ गया, अगर ये जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो पॉजिटिव नंबर है तो आप स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जो अपने आप मतलब फंक्शन अपने आप स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के एंड से काउंट करना स्टार्ट करेगा कैरेक्टर। ठीक है, ओके सिलेक्ट सबस्ट्रिंग SQL ट्यूटोरियल 5। अब यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग पोजीशन तो दी है कि 5th पोजीशन से हमें चाहिए, लेकिन कितने कैरेक्टर्स चाहिए ये हमें नहीं पता, तो क्या होगा इस पोजीशन से लेकर एंड तक वो सारे कैरेक्टर्स को लेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन नहीं करते हो तो जो स्टार्टिंग पोजीशन के बाद जितने कैरेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजीशन वो सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 पे क्या होता है टी, तो इसने पूरा वर्ड लिया है ट्यूटोरियल। यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल इसने कंप्लीट लिया है। फाइन, समझ आया। नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन। द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन बताता है कि जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसकी वो कितने बाइट्स, मतलब उसकी लेंथ बाइट्स में कितनी है। राइट, तो वी नो जो 1 करेक्टर होता है वो 1 बाइट क्या करता है, कंज्यूम करता है, 1 बाइट 1 करेक्टर को लेता है। ठीक है, मतलब 1 करेक्टर 1 बाइट को कंज्यूम करता है, 1 उसमें स्टोर होता है 1 बाइट में। ओके तो यहाँ पे क्या करेगा, बाइट्स में स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। तो सिलेक्ट लेंथ हमारा, अब देखो स्ट्रिंग है SQL ट्यूटोरियल। फाइन, तो 1, 2, 3 एक हमारा स्पेस करेक्टर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 12 बाइट्स आपको शो कर दिया कि SQL ट्यूटोरियल कितने बाइट्स की लेंथ है, 12 बाइट्स की है। फाइन, ओके क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। देन सिलेक्ट लेंथ SQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमने जो लिखा है एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या है रिजल्ट में हमारा शो करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड देन रिजल्ट। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपका आ गया 26 बाइट्स। इस पूरे का जो काउंट करके आ गया कि ये स्ट्रिंग कितने बाइट्स की लेंथ है, इसकी 26 बाइट्स की इसकी लेंथ है। फाइन, तो लेंथ फंक्शन की हेल्प से वी कैन गेट टू नो द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट फंक्शन। द लेफ्ट फंक्शन इज यूज्ड टू extract a specified number of characters from the left side of a given string. let function क्या करता है, let function string के left से specified, मतलब जितने आपने characters जितना आपने number specify किया है उतने characters को extract करता है। समझ आया, लेफ्ट फंक्शन स्ट्रिंग में से जितने आपने कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं उतने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। राइट, तो लेफ्ट फंक्शन में आपने पास किया स्ट्रिंग को और लेंथ को। लेंथ क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। फाइन, देखो द स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम विच द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, हम स्ट्रिंग को पास करेंगे जिसमें से हम कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को निकाल रहे हैं। और लेंथ क्या है, लेंथ पैरामीटर से हम बता रहे हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स उसमें से निकालने हैं। ठीक है, If this parameter is larger than the number of characters in the string, this function will return string. अगर हमने len में ऐसा पैरामीटर डाला है जिस मतलब मान लो हमने 15 डाल दिया और स्ट्रिंग में 14 कैरेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। ओके अगर आप len पैरामीटर में लार्जर वैल्यू दे रहे हो तो वो कंप्लीट स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। ओके Now let us understand this with the help of examples. Select left. ओके लेफ्ट फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग को एसक्यूएल ट्यूटोरियल और लेंथ क्या है 3 मतलब 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं किस साइड से लेफ्ट साइड से तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग एसक्यूएल तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया एसक्यूएल फाइन नाउ सिलेक्ट लेफ्ट यूएसएस देन 2 3 ये हमने स्ट्रिंग ले रखी है और हमने क्या दिया है लेंथ क्या दी है 3 मतलब 3 कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो यहाँ पे देखो यूएसएस आ गया 3 कैरेक्टर्स ये आपका आ गया एग्जाम्पल नेक्स्ट वी हैव राइट फंक्शन द राइट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग तो राइट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं स्ट्रिंग के राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइन तो यहाँ पे आप पास करोगे वैल्यूज फर्स्ट स्ट्रिंग ओके एंड लेंथ ओके स्ट्रिंग क्या है जो जिस स्ट्रिंग में से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और लेंथ क्या है जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए लेकिन कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करेगा राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग ओके और यू कैन से फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग फाइन ओके और अगेन इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन है अगर आपने लेंथ में क्या दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा दिए ओके लेंथ में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा दिए तो क्या होगा ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा ओके सिलेक्ट राइट एसक्यूएल ट्यूटोरियल 3 ओके तो यहाँ पे राइट फंक्शन में हमने स्ट्रिंग को पास किया एसक्यूएल ट्यूटोरियल और आपने लेन में क्या दिया है 3 तो यहाँ क्या करेगा ये इसके राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट आपको देगा ठीक है तो यहाँ पे राइट साइड से देखो IAL आ गया ओके सेम यहाँ पे एसक्यूएल ट्यूटोरियल 15 अब 15 क्या है 15 जो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 12 और यहाँ पे हमने दे दिया है 15 तो क्या होगा ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा Fine. Now we have INS or you can say instar function. ठीक है इन स्ट्रिंग फंक्शन भी आप कह सकते हो ठीक है दिस फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजिशन ऑफ द फर्स्ट occurrence of a substring within a given string, okay? तो इस फंक्शन की हेल्प से आपको क्या पता चलता है एक स्ट्रिंग के अंदर आप सब स्ट्रिंग बताओगे कि वो किस पोजिशन पर है राइट ओके तो इन स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रिंग है और सेकंड पैरामीटर क्या है सब स्ट्रिंग जो आप पता आप जो जिसका रिजल्ट ये बताएगा कि वो किस पोजीशन पर है राइट ओके इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग फाइन ओके तो यहाँ हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर और तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्लोर क्या है हमारा स्ट्रिंग है ओके फर्स्ट स्ट्रिंग है अब इसके अंदर हमें जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है और तो और की पोजीशन बताएगा तो यू कैन सी यहाँ पे और की पोजीशन क्या है 2 यू कैन सी यहाँ पे C1 एंड और यहाँ पे हाँ स्टार्ट हुआ 2 से ओके तो इसने आपको और की पोजीशन बता दी है 2 राइट अगेन सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर M ओके यहाँ पे M क्या है सबस्ट्रिंग अब M सबस्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका रिजल्ट क्या आ गया है 0 ओके तो इंस्ट्रिंग फंक्शन का क्या यूज है इंस्ट्रिंग फंक्शन के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो सबस्ट्रिंग है उसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या पोजीशन है ओके इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग Here we have one more example of in string. Select in string SQL tutorial SQL. Okay, तो यहाँ पे SQL की यहाँ पे SQL tutorial हमारी string है जिसके अंदर हमें substring SQL की position पता करनी है तो यहाँ पे you can see the result is 1 क्योंकि यहाँ पे SQL क्या यहाँ पे first जो आपका character है वो ही SQL से start हो रहा है तो यहाँ पे आपकी position आ गई 1 okay. Now the next function is ltrim function. The ltrim function removes leading spaces on the left side from a string. ltrim function का क्या यूज होता है ltrim function जो string के left side में spaces होते हैं उनको क्या कर देता है trim कर देता है means remove कर देता है fine. Okay leading spaces means जो string के left side में spaces होते हैं right तो इसका syntax क्या है ltrim function and in ltrim function you will pass the string. Find the string from which leading spaces are रिमूव्ड. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. सिलेक्ट एल्ट्रिम, एल्ट्रिम के अंदर आपने एसक्यूएल ट्यूटोरियल दिया, उससे पहले क्या स्पेसेस है. नाउ यू कैन सी एल्ट्रिम फंक्शन से क्या हुआ, लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस थे, जो लीडिंग स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए हैं. फाइन, ऐसे ही आपने एल्ट्रिम फंक्शन के अंदर स्पेसेस है यहाँ पर. एंड देन आरडीबीएमएस माइएसक्यूएल. नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए. फाइन, तो एल्ट्रिम फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के जो लीडिंग स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर सकते. नेक्स्ट फंक्शन इज आरट्रिम. आरट्रिम फंक्शन रिमूव ट्रेलिंग स्पेसेस ऑन द राइट साइड फ्रॉम अ स्ट्रिंग. आरट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग जो आप स्ट्रिंग आरट्रिम फंक्शन के अंदर पास करते हो उस स्ट्रिंग के राइट साइड के स्पेसेस को, ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है. ठीक है, आप इसका सिंटेक्स क्या है, आरट्रिम, और आरट्रिम फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग को पास कर रहे हो. इस स्ट्रिंग के अंदर अगर राइट साइड में स्पेसेस हैं तो आरट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा. फाइन, नाउ सी यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल ट्यूटोरियल आपने क्या लेफ्ट में भी दिया है और राइट में भी दिया है, तो ये इसने क्या किया, लेफ्ट के स्पेसेस को रिमूव नहीं किया, राइट के स्पेसेस को रिमूव किया है. सेम हेयर यू कैन सी आरडीबीएमएस माइएसक्यूएल के अंदर लेफ्ट के स्पेसेस रिमूव नहीं हुए, यहाँ पे राइट के स्पेसेस रिमूव हुए, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज करें, आरट्रिम फंक्शन यूज करें जो ट्रेलिंग स्पेसेस, राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रिम फंक्शन. द ट्रिम फंक्शन रिमूव्स लीडिंग as well as trailing spaces from the string. Trim function क्या करता है, leading spaces को भी remove करता है. leading spaces कौन से spaces होते हैं, जो left side of string होते हैं, and trailing spaces को भी remove करता है जो right side में होते हैं. Okay, trim function की help से हम string के left side के spaces को भी remove कर देते हैं और right side के spaces को भी remove कर देते हैं. The string from which leading and trailing spaces are removed. Okay, यहाँ पे example देखते हैं. Select trim. ओके अब आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड भी आपके स्पेसेस है एंड राइट साइड भी आपके स्पेसेस है. व्हेन यू विल यूज द ट्रिम फंक्शन इट विल रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट. ओके हियर आल्सो इट हैज रिमूव्ड ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द स्ट्रिंग. ओके now we have date functions. So the first function is now function. The now function returns the current date and time. now function का क्या यूज है, ये सिस्टम का current time और date display करता है. right, syntax is now. अब आपने यहाँ पे select now दिया है, तो यहाँ पे जब भी execute हुआ है, जब भी command execute हुई है वो date और वो time display हो गया है. right, now we have date function. The date function extracts the date part of a date or date time expression. date function क्या करता है, date part को extract करता है किसी भी date में से या date और time के expression से. right, okay, तो यहाँ पे इसका syntax है date and the expression. right, expression क्या है, कोई भी valid date होनी चाहिए या date time का combination होना चाहिए. ओके इट रिटर्न्स नल इफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ डेट और डेट टाइम. और अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन जो पास कर रहे हैं वो डेट नहीं है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है. राइट ओके अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट डेट. फाइन, यहाँ पे सिलेक्ट डेट और डेट फंक्शन के अंदर आपने पास किया डेट एंड टाइम. ओके तो डेट फंक्शन क्या करेगा, इस डेट टाइम एक्सप्रेशन में से किसको एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट को, और उसे डिस्प्ले कर देगा. देखो तो इसने क्या किया, डेट को एक्सट्रैक्ट किया और डिस्प्ले कर दिया. फाइन, नाउ वी हैव सिलेक्ट डेट एंड डेट फंक्शन में हमने डेट को पास किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने डेट को एक्सट्रैक्ट कर दिया. राइट तो डेट फंक्शन क्या करता है, डेट एक्सप्रेशन से या डेट टाइम एक्सप्रेशन से डेट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है. राइट नेक्स्ट फंक्शन इज मंथ फंक्शन. द मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फॉर अ गिवन डेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 12. ओके तो मंथ फंक्शन के अंदर जब आप डेट को पास करते हो तो क्या करता है, मंथ फंक्शन उस पर्टिकुलर डेट में से सिर्फ मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है. राइट मंथ को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा. राइट ओके और यहाँ पे डेट क्या, डेट इट कैन बी अ डेट और डेट टाइम वैल्यू. ओके फ्रॉम विच द मंथ इज एक्सट्रैक्टेड, जिसके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मंथ. फाइन अब यहाँ पे देखो हमने दिया सिलेक्ट मंथ और मंथ फंक्शन में हमने पास कर दी डेट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका सबसे पहले ईयर है, राइट, देन वी हैव मंथ, ओके, एंड देन वी हैव डे। फाइन, तो यहाँ पे देखो थ्री क्या है, मंथ। इस मंथ फंक्शन ने क्या किया है, मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया, राइट। अगेन यहाँ पे हमारे पास मंथ फंक्शन है जिसके अंदर हम टाइम, सॉरी, डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन को पास कर रहे हैं, तो इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करके पास कर देगा, क्या डिस्प्ले कर देगा, मंथ। ओके, सो दिस इज आवर मंथ। नेक्स्ट फंक्शन इज मंथ नेम। month name function returns the name of the month for a given date. Okay, month name function क्या करता है, जो month name function के अंदर आप date pass करते हो, okay, उस date में से वो month का name क्या करता है, return करता है, display करता है, right? Okay, so month name and in the circular bracket you will pass the date. Right, now here we will see the example. Select month name. Month name के अंदर आपने पास किया date and time का expression. Okay, तो इसमें से ये क्या करेगा, month जो है उसका name display करेगा। तो यहाँ पे 03 क्या है, मार्च, तो यहाँ पे इसने month name display कर दिया है, right? Again we are passing date in the month name here. ओके, अगेन इट इज डिस्प्लेइंग द मंथ नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो मंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, सिंपल मंथ को डिस्प्ले कर देता है, बट मंथ नेम फंक्शन क्या करता है, उसका नेम डिस्प्ले करता है, जो पर्टिकुलर मंथ होता है उसका नेम डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज ईयर फंक्शन। द ईयर फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट फॉर अ गिवन डेट। ईयर फंक्शन क्या करता है, आप ईयर फंक्शन में जो भी डेट पास करते हो उसमें से वो ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है, राइट। अ नंबर फ्रॉम 1000 टू 9999, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट ईयर और ईयर फंक्शन में पास किया है डेट। अब ईयर फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया 2022, राइट। ओके, सिलेक्ट ईयर, ईयर के ईयर फंक्शन में हमने क्या दिया है, डेट एंड टाइम का एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें से क्या करेगा, डेट फंक्शन में से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा। फाइन, तो यहाँ पे ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके इसने डिस्प्ले कर दिया है। ओके, ईयर फंक्शन क्या करता है, आप जो भी डेट पास करते हो उसमें से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है। Now the next function is day function. The day function returns the day of the month for a given date, a number from 1 to 31. Day function का क्या यूज है, day function में जब आप date pass करते हो तो क्या करता है, date में से day को extract करके डिस्प्ले करता है, राइट। और ये फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, डे ऑफ मंथ फंक्शन के, मतलब ये दोनों फंक्शन सेम है। फाइन, नाउ सी, सिलेक्ट डे। ओके, डे फंक्शन में आपने पास किया है डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन, तो इसमें से ये डे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे डे हमारा है 404, राइट। ओके, अगेन वी हैव पास्ड द डेट इन डे फंक्शन, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, डे को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया है। फाइन, डे फंक्शन क्या करता है, डे फंक्शन डेट में से डे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करता है। Next function is day name function. The day name function returns the weekday name for a given date, right? Day name function क्या करता है, डे नेम फंक्शन के अंदर आप जो भी डेट पास करते हो उसका जो डे होता है उसका वो नेम डिस्प्ले करता है, राइट। डे नेम एंड इन डे नेम यू कैन पास द डेट और यू विल पास द डेट, राइट। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट डे नेम और इसके अंदर हमने पास कर दिया डेट। तो यहाँ पे जो डे है, राइट, 04, ठीक है, ये जो डे है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि 4 जो डेट थी वो उसका डे था फ्राइडे। फाइन, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सप्रेशन लिया है डेट एंड टाइम का। ओके, तो उसमें से जो डे है 04 उसका जो उस डे पर कौन सा दिन था, राइट, उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। डे नेम, इस दिन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है बाय यूजिंग द डे नेम फंक्शन। Now we have aggregate functions. And aggregate functions perform a calculation on a set of values and return a single value. Aggregate function क्या करते हैं? वो set of values पर function करते हैं, okay? और उसका result क्या होता है? Single value होता है, fine? मतलब एक column है, एक complete column के ऊपर आप aggregate function को apply कर सकते हो, complete row पर आप aggregate function को apply कर सकते हो, right? Except for count function, एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स नल वैल्यू, ठीक है? काउंट स्टार को छोड़कर, ठीक है, बाकी के एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं? नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, ओके? एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज विद द ग्रुप बाय क्लॉज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट. एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ मोस्टली यूज करते हैं, फाइन? यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय क्लॉज की एक अलग से वीडियोस बनाई हुई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो. उसमें एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज किया हुआ है, फाइन? Okay, so here we have got to know what are aggregate function. Aggregate function क्या होते हैं? Set of values पे apply करते हैं, उसका result क्या होता है? Single value, right? और इसमें count star function को छोड़कर बाकी के जितने भी aggregate functions हैं वो null values को क्या करते हैं? Ignore करते हैं, fine? Okay, the first aggregate function is max function. This function returns the maximum value from a given column or expression. Max function का क्या use है? ये किसी भी particular column की जो maximum value है या किसी भी expression की जो maximum value है उसको display करेगा, right? Syntax, हमारे पास syntax क्या है? Max function में हमने पास किया column name, ठीक है, कॉलम का नाम या फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको पास करना है, ओके? नाउ वी हैव द एग्जांपल डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय. तो ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ओके? दिस इज द सैलरी कॉलम. तो हमने क्या व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि जो सैलरी कॉलम है उसमें से जो मैक्सिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए, राइट? तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मैक्स फंक्शन का यूज करोगे. सिलेक्ट मैक्स, ओके, और मैक्स के अंदर आपने पास कर दिया सैलरी कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉय, फाइन? तो क्या होगा? मैक्स फंक्शन जो सैलरी कॉलम में मैक्सिमम सैलरी है उसको डिस्प्ले कर देगा. नाउ यू हियर यू कैन सी 80,000 इसने डिस्प्ले कर दिया जो मैक्सिमम सैलरी है, फाइन? ओके, next we have the min function. This function returns the minimum value from a given column or expression. Min function का क्या use है? Min function का use है कि min function जब आप यूज करते हो किसी भी कॉलम, ठीक है, तो वो क्या करता है? किसी भी कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा. किसी भी कॉलम या एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, ओके? तो सिंटैक्स इज मेन, ओके, एंड इन द सर्कुलर ब्रैकेट्स यू विल पास द कॉलम नेम और एक्सप्रेशन, फाइन? तो यहाँ पे हम कहते हैं डिस्प्ले मिनिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय. हमें टेबल एम्प्लॉय में से जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें से मिनिमम सैलरी चाहिए, राइट? तो आप क्या कमांड दोगे? सिलेक्ट मिन, और मिन फंक्शन के अंदर आप सैलरी कॉलम को पास कर दोगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके? सो द रिजल्ट इज 30,000. जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो गई है. तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है. मिन फंक्शन क्या करता है? मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है. Now we have the average function. The average function is used to find the average value of any column or expression based on a column. Average function का क्या use है? Average function की help से हम किसी भी column की values का average निकाल सकते हैं, right? या किसी भी expression की values का average निकाल सकते हैं. The average function always takes argument of integer type. Average function क्या करता है? हमेशा integer type की ही value क्या करता है? लेता है, right? एवरेज फंक्शन के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज को ही पास कर सकते हो, ओके? सी सिंटेक्स क्या है? एवरेज कॉलम नेम, कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन, ओके? डिस्प्ले एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय. तो यहाँ पे हमने क्या क्वेरी दी है कि जो सैलरी है कॉलम है उसमें हमें क्या चाहिए? एवरेज सैलरी चाहिए. तो सिंपली आपने क्या किया? सिलेक्ट एवरेज, और एवरेज फंक्शन में आपने पास कर दिया सैलरी, सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय. सो हियर यू कैन सी जो एवरेज जो एक सैलरी है वो आपकी निकल के आ गई है, वो आपकी एज अ रिजल्ट आ गई है, ओके? तो जब आपको किसी भी कॉलम की वैल्यूज का एवरेज चाहिए, राइट, यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन. Next we have the sum function. The sum function returns the sum of values in a given column or expression. Sum function का क्या यूज है? Sum function की हेल्प से हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं. ओके, द सम फंक्शन ऑलवेज टेक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप ओनली. सम फंक्शन में भी क्या है, जो भी आप वैल्यूज पास करोगे वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, डेट वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. राइट, तो सम फंक्शन में आप कॉलम नेम पास करोगे या फिर एक्सप्रेशन पास करोगे जिसकी वैल्यूज का आपको सम चाहिए. ठीक है, डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज लिस्टेड इन द टेबल एम्प्लॉय. ठीक है, तो आपको टोटल सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, तो आपने यहाँ पे कमांड दिया सिलेक्ट सम और सम के अंदर दिया है सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नेम. ओके, तो यहाँ पे जो भी सैलरीज है उन सबका टोटल होके आ गया है यहाँ पे. दिस इज द सम 2,77,000. Fine. Next function is count function. The count function counts the number of rows in a given column or expression. Count function क्या count करता है? Count function count करता है number of rows. ठीक है, जो भी column आपने पास किया है उसमें कितनी rows है या फिर जो expression आपने पास किया है उसमें कितनी rows है. Right? Count function returns the number of non-null values. So the count function null values को count नहीं करता है. Okay? Only non-null values को काउंट करता है. राइट, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा. सिंटेक्स क्या है काउंट फंक्शन? काउंट फंक्शन में आप पास करोगे कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन. राइट, ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेरी दी है डिस्प्ले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय. डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है. तो हमें क्या है, डिस्टिंक्ट सिटी सिलेक्ट काउंट, काउंट करो डिस्टिंक्ट सिटी. डिस्टिंक्ट सिटी मीन्स जो सिटी बार बार रिपीट ना हो. ओके, उनका काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय. तो यहाँ पे देखो 1 दिल्ली, देन जयपुर, कानपुर, बेंगलोर. ओके, तो ये 4 हो गए यहाँ पे. फिर कानपुर 2 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट किया, तो ये इसको काउंट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया है. राइट, तो यू कैन सी यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या है, 4. फाइन. ओके, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉइज. तो यहाँ पे काउंट ने काउंट कर दिया है सिटी के अंदर कितनी रोज आई हैं. ओके, नंबर ऑफ रोज काउंट कर दिया. और डिस्टिंक्ट रोज मतलब डिस्टिंक्ट मींस जो वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होती. फाइन. ओके, अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं लगा होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ जाती 6. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट स्टार फंक्शन. काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट्स एंड नल्स. जब आप काउंट स्टार फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट स्टार क्या करता है, सारी की सारी रोज को काउंट करता है, चाहे डुप्लीकेट रोज हो चाहे उस रोज के अंदर नल वैल्यूज हो. राइट, सिंटेक्स क्या है, काउंट स्टार. राइट, अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल एम्प्लॉय. और आपने यहाँ पे क्वेरी दी है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जितनी भी रोज है सबको काउंट किया है. ओके, चाहे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू. यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारी 3 रोज क्या है, ये जो 2 रोज है वो डुप्लीकेट है. इवन देन दे आर काउंटेड. राइट, ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ रोज आर 6. हियर इज द रिजल्ट. काउंट स्टार क्या करता है, सारी रोज जितनी भी रोज होती है सबको काउंट करता है, चाहे डुप्लीकेट रोज हो चाहे नल रोज हो. Now first we have group by clause. Okay, group by clause is used to divide the table into logical groups. तो group by clause का क्या use है, इसकी help से आप table को groups में divide कर सकते हो. Okay, logical groups में divide कर सकते हो. And we can perform aggregate functions in those group. और आप उन groups के अंदर aggregate functions को perform कर सकते हो. राइट, तो ग्रुप बाय से आप क्या करोगे, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट, जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. ओके, और उन ग्रुप्स के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो. राइट, इन दिस केस एग्रीगेट फंक्शन विल रिटर्न आउटपुट फॉर ईच ग्रुप. और जो एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या करेंगे, ग्रुप वाइज आपको रिजल्ट दिखाएंगे. राइट, तो ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज है, ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से आप टेबल में जो भी आपके सिमिलर डेटा है, टेबल में जो भी सिमिलर डेटा है उसको आप एज अ ग्रुप डिवाइड कर दोगे. राइट, ओके मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूज इन अ कॉलम। तो क्या है एग्रीगेट फंक्शन आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ओके और ये वर्क किस पे करते हैं मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस राइट। ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर द नल वैल्यूज और जहां पे भी नल वैल्यूज होती है उसको एग्रीगेट फंक्शन काउंट नहीं करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। यूजफुल एग्रीगेट फंक्शंस आर एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यू राइट। काउंट स्टार रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू। लास्ट फंक्शन रिटर्न द लास्ट वैल्यू। मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। मिन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सम फंक्शन रिटर्न द सम ओके। काउंट फंक्शन यूज टू काउंट द वैल्यूज प्रेजेंट इन एनी कॉलम एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज। तो काउंट फंक्शन से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं और यहाँ पे वो अगर किसी सेल के अंदर नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा राइट। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं ओके। तो यहाँ अब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी अपना डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है एम्प्लॉय राइट। इसको मैंने क्या किया है ओपन कर लिया। यूज एम्प्लॉय कमांड आप यूज करोगे ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो शो टेबल्स कर सकते हो राइट। आगे शो टेबल्स में आपकी टेबल्स आ गई। इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स है 3 टेबल्स हैं। तो इनमें से मुझे कौन सी टेबल यूज करनी है मुझे इसमें से EMPL टेबल यूज करनी है। मैं इसका डेटा आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL राइट। ये मेरी टेबल है दैट आई एम गोइंग टू यूज ठीक है क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज के लिए मैं इस टेबल का यूज कर लूँ फाइन। अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है क्लर्क सेल्समैन सेल्समैन मैनेजर एनालिस्ट प्रेसिडेंट क्लर्क मैनेजर। तो यहाँ पे क्या है सेम सेम डिपार्टमेंट को हम क्या करेंगे ग्रुप में डिवाइड करेंगे राइट। तो क्वेरी आप लिखोगे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट राइट। और डिपार्टमेंट को मैंने क्या करना है ग्रुप में डिवाइड करना है और मैं यहाँ पे क्या करूंगी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम निकालूंगी ओके तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी सिलेक्ट DEPT डिपार्टमेंट ओके कॉलम का नेम है ये सम। अब कौन सा फंक्शन यूज कर रही हूं एग्रीगेट ओके। सम किसका निकालेंगे सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम क्या है EMPL ओके एंड ग्रुप बाय कौन से कॉलम का आप ग्रुप करना चाहते हो कौन से कॉलम की वैल्यूज का आप ग्रुप करना चाहते हो डिपार्टमेंट राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है देखो डिपार्टमेंट कॉलम देखो यहाँ पे क्लर्क जितने भी जो आपका डिपार्टमेंट था क्लर्क वो क्या हुआ कंबाइंड होके एक में आ गया और क्लर्क की सैलरीज क्या हुई है यहाँ पे ऐड होके सम होके आ गई है यहाँ पे 12,000 ओके और क्लर्क यहाँ पे 12,000 एंड 12,000 तो आपका यहाँ पे 36,000 आ गया कंबाइंड। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम। अब डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप कर दिया तो ग्रुप के ऊपर आप क्या कर सकते हो आप एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरी कर दी डिपार्टमेंट वाइज तो टोटल जो क्लर्क डिपार्टमेंट की सैलरी का सम आया वो 36,000 आ गया। ऐसे ही सेल्समैन का क्या बन गया एक ग्रुप बन गया क्लर्क का एक ग्रुप बन गया ओके सेल्समैन का एक ग्रुप बन गया मैनेजर का एक ग्रुप बन गया एनालिस्ट का एक ग्रुप बन गया एंड प्रेसिडेंट का राइट ओके। अब यहाँ पे सेल्समैन जितने भी हैं उनकी सैलरीज का सम आ गया 15,000 तो हमारे पास 2 ही सेल्समैन है तो यहाँ पे आपका आ गया 30,000। इन द सेम वे मैनेजर वी हैव यहाँ पे 90,000 ओके एंड हेयर 90,000 ओके। तो ये आपका आ गया है सम 2,70,000 राइट। तो ऐसे क्या हुआ है आपके डिपार्टमेंट में जितने भी कॉमन वैल्यूज थी उनका क्या हो गया ग्रुप हो गया और उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमने क्या अप्लाई कर दिया है हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर दिया ओके। एक एग्जाम्पल और देखते हैं. ओके, ग्रुप बाय क्लॉज का, राइट. तो हम लेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट. ओके, सम कर दिया हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का. सैलरी का सम कर दिया. एवरेज निकाल लेते हैं, जितनी भी सैलरी है उसका एवरेज निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज. एसक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं कमांड्स और आप इसमें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो. ओके, मैक्स सैलरी, राइट, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी. ओके, तो यहाँ पे हमने देखो पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे. ओके, फिर यहाँ और क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, मैक्स ऑफ सैलरी एंड मिनिमम सैलरी. ओके, फ्रॉम ईएमपीएल क्या है, टेबल का नेम. और ग्रुप बाय कैसे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है. ओके, नाउ लुक एट दिस. अब देखो डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी आ गई, क्लर्क डिपार्टमेंट में क्या है आपका सम ऑफ सैलरी आ गया, एवरेज सैलरी आ गई है, मैक्सिमम सैलरी आ गई है कि 12,000 मैक्सिमम सैलरी है और मिनिमम सैलरी भी वहां पे 12,000 ही है, राइट. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो गई है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर दिया, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन. ओके, Now we have having clause. Placing conditions on group. आपने क्या किया, ग्रुप बाय की हेल्प से ग्रुप्स क्रिएट किए. ओके, लॉजिकल ग्रुप्स बनाए. अब अगर आपको उन ग्रुप्स पर कंडीशंस को अप्लाई करना है तो आप कौन सा क्लॉज यूज करोगे, आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे. ओके, द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज. तो अगर आपको ग्रुप के ऊपर क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो, राइट. और अगर आपको सिंगल और यू कैन से इंडिविजुअल रो पर अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, राइट. तो ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज. सो हैविंग क्लॉज इज कैन बी यूज्ड टू अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप एंड वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज. ओके, While where conditions cannot include aggregate functions, और जब आप where clause का यूज करते हो, right, तो आप वहां पर aggregate function का यूज नहीं कर सकते. aggregate function किसके साथ यूज होते हैं, having clause के साथ यूज होते हैं. अंडरस्टूड. क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, हैविंग क्लॉज क्या करता है, ग्रुप के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है. ओके, वेयर क्लॉज क्या करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल रो के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है, राइट. वेयर क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, पर आप हैविंग क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हो, राइट. तो हमने अभी ग्रुप बना ली ग्रुप बाय क्लॉज से, अब हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज की हेल्प से उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे. ओके, राइट. तो अब हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट. ओके, एंड एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ सैलरी. ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन है आपका. फ्रॉम ईएमपीएल, राइट, ईएमपीएल क्या है, टेबल का नेम है. अब ग्रुपिंग किससे कर रहे हो आप, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया. अब देखो आपने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलम को लिया है और एवरेज सैलरी आपने निकाली है डिपार्टमेंट वाइज. ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन भी लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज. तो हमने कंडीशन लगाई, हैविंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट क्या कर दिया, हैविंग डिपार्टमेंट इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, हैविंग डिपार्टमेंट इन क्लर्क. ओके, एंड एनालिस्ट. तो आपने क्या कंडीशन प्लेस की है, आपने कंडीशन प्लेस की है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज निकालनी है एवरेज सैलरी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे कंडीशन क्या प्लेस कर दी है, हैविंग डिपार्टमेंट इन, कौन कौन से डिपार्टमेंट हो, इन क्लर्क एंड एनालिस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ दो डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आएगा, ग्रुपिंग होके एवरेज सैलरी निकल के आएगी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट के लिए कंडीशन प्लेस कर दिया कि सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ले रहे हो, क्लर्क एंड एनालिस्ट, राइट। अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ, देखो क्लर्क का ग्रुपिंग हुई, ओके उसकी एवरेज सैलरी आ गई, ऐसे ही एनालिस्ट की ग्रुपिंग हुई और एनालिस्ट की एवरेज सैलरी आ गई, राइट। तो यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज की हेल्प से क्या किया, कंडीशन को प्लेस किया है ग्रुप के ऊपर, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, ओके थोड़ा सा इसको अप कर दूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी ले लो, एवरेज सैलरी, ओके एंड सम ऑफ सैलरी, फ्रॉम ईएमपीएल, ईएमपीएल हमारा टेबल का नेम है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ओके हैविंग। अब हैविंग से क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे उसके ऊपर, कंडीशन लगाएंगे डिपार्टमेंट। अब देखो सिंपल मैंने दे दिया हैविंग डिपार्टमेंट मैनेजर, तो क्या कंडीशन लगा दी कि आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करोगे, एवरेज सैलरी निकालोगे, सम ऑफ सैलरी निकालोगे, ओके। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आप कौन सा ले रहे हो, सिर्फ मैनेजर ले रहे हो, राइट। तो क्या करेगा, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, मतलब उनको एक ग्रुप में कंबाइन करेगा और उनकी एवरेज सैलरी निकलेगी और सम ऑफ सैलरी निकलेगी, राइट। एंटर प्रेस करते हैं, देखो मैनेजर्स की एवरेज सैलरी आ गई और मैनेजर का सम आ गया। तो हैविंग क्लॉज की हेल्प से आपने क्या किया है, कंडीशन को प्लेस किया है यहाँ पे, ओके। Next we have order by clause. The order by clause allows sorting of the query results by one or more columns. तो order by का क्लॉज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो आपका आउटपुट टेबल आया है, राइट, रिजल्ट आया है क्वेरी का, आप उसमें कॉलम्स को अरेंज कर सकते हो, राइट, ओके। द शॉर्टिंग कैन बी डन आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग में फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, राइट। द ऑर्डर बाय कीवर्ड शॉर्ट्स द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कि किस ऑर्डर में आपको कॉलम को अरेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, राइट, और यू कैन से फ्रॉम ए टू जी, right. The data in the table is not sorted, only the results that appear on the screen are sorted. तो ये clarify क्या कर रहा है कि जो original table रहती है वो as it is रहती है, वो change नहीं होती है। ये जो sorting होती है वो किस में होती है, वो result में होती है, जो output table आई है सिर्फ उसके अंदर होती है, right। तो ये क्या है, एक temporary change है। अगर आपको output table में columns को sort करना है तो आप order by clause का use कर सकते हो, right। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार ईएमपीएल टेबल को शो कर देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, राइट, ये मेरी टेबल है, ईएमपीएल टेबल है, ओके। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लूंगी कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, टेबल का नेम है ईएमपीएल, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। अब मुझे कौन से कॉलम से इसको ऑर्डर करना है, मैं कर देती हूँ ई नेम से, ठीक है, ऑर्डर बाय ई नेम, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल ऑर्डर बाय ई नेम, फाइन। अब देखो यहाँ पे आपका डेटा अरेंज हो चुका है, राइट। आन्या, अर्जुन, दीपा, पूजा, राम, स्कॉट, सीता, स्मिथ, स्नेहा, वीना, राइट। तो किस ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, फ्रॉम ए टू जी, राइट। और इसके ही अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो कंप्लीट टेबल के कॉलम्स हैं वो क्या हो गए, अरेंज हो गए, राइट, अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम, फाइन। अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, ऑर्डर बाय ई नेम लिखा था, कोई भी आपने कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट इसने किस में अरेंज किया है, इसने असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को अरेंज किया है, ओके। अब मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना है, तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ओके, और यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर बाय ई नेम। हम ई नेम कॉलम को अरेंज कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, DESC, ठीक है, डिसेंडिंग के लिए, राइट, DESC। अब देखो यहाँ पे आप ई नेम कॉलम को देखेंगे। अब ये क्या है, आपका जो कॉलम में नेम्स अरेंज हुए हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम Z to A, राइट, फ्रॉम Z to A, राइट, इस तरीके से हुए हैं, वीना, स्नेहा, स्कॉट, राम, पूजा, दीपा, देन इन द एंड अर्जुन, आन्या, राइट, ओके, क्योंकि कौन सा कीवर्ड हमने यूज किया था यहाँ पे, DESC फॉर डिसेंडिंग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL टेबल, ऑर्डर बाय ई नेम, एंड आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया, DESC, राइट, तो यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया है, फाइन। आप ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कंडीशंस को भी यूज कर सकते हो, कैसे, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, राइट, वेयर सैलरी हम ले रहे हैं, वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। मैंने क्या किया है, आपको EMPL टेबल में से क्या करना है, रिकॉर्ड्स निकालने हैं जहां पे सैलरी क्या हो, 20,000 से अबव हो, और ऑर्डर बाय ई नेम। तो जब आपका जो भी आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा, जो ई नेम कॉलम होगा वो किस ऑर्डर में आएगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही अरेंज होके आपका डेटा आएगा, फाइन। देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ओके, राइट, तो हमारी क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL टेबल से आपके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, वेयर सैलरी इज शुड बी ग्रेटर देन 20,000। तो 20,000 से जहां जहां ग्रेटर सैलरी है सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे, वही रिकॉर्ड्स आएंगे, नॉट कॉलम्स, वही रिकॉर्ड्स आएंगे, ओके। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज और कर दी, ऑर्डर बाय ई नेम, आउटपुट टेबल कैसे आएगी, अरेंज होके आएगी ई नेम के अकॉर्डिंगली, राइट, और हमने यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं दिया है कोई भी, ASC या DESC, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आपके पास टेबल आ गई और वो रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे क्या है, सैलरी ग्रेटर देन है 20,000 के, ओके। वी कैन ऑल्सो अरेंज द टेबल ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो हम मल्टीपल कॉलम्स में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले एक टेबल आपको शो कर देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है EMP जिसमें कॉलम्स है ID, रोल नंबर एंड ई नेम, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, दो कॉलम्स को यहाँ पे अरेंज करूंगी ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, राइट, ऑर्डर बाय रोल नंबर, रोल नंबर हम किस में दे देंगे, असेंडिंग में दे देंगे, ठीक है। और अगर आप ASC नहीं लिखते तब भी वो असेंडिंग में जाता, और आईडी आपने, सॉरी आईडी कॉलम आपने किस में दे दिया, DESC, डिसेंडिंग में, राइट, एंटर प्रेस कर दो, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा आईडी क्या था, 1 2 3 4 5, राइट, हमने लेकिन आईडी को कर दिया डिसेंडिंग में, तो अब यहाँ पे ये किस में अरेंज हो गया, 5 4 3 2 1, राइट, हो गया डिसेंडिंग में, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। अब यहाँ पे रोल नंबर देखो, रोल नंबर क्या था हमारा, 5 4 3 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन हमने रोल नंबर को क्या कर दिया, असेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो रोल नंबर देखो हमारा असेंडिंग में आ गया, 1 2 3 4 5, ओके। रोल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, असेंडिंग में, और आईडी किस में कन्वर्ट हो गया, डिसेंडिंग में। कन्वर्ट मींस अरेंज हो गया, राइट, रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ई नेम कॉलम भी अरेंज हो गया, राइट। तो ऑर्डर बाय क्लॉज आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। इक्वल ज्वाइन इज एन एसक्यूएल ज्वाइन कंडीशन दैट यूजेज द इक्वल टू साइन, ओके तो ये एसक्यूएल ज्वाइन कंडीशन है जो किसका यूज करती है, इक्वल टू साइन का यूज करती है एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड। ओके तो इक्वल ज्वाइन में क्या है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन फील्ड, मतलब ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है किस बेसिस पे कि उन दो टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड्स हैं राइट। दो कॉमन फील्ड्स क्या हो सकते हैं, आपकी प्राइमरी की एंड फॉरेन की राइट। ओके तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बनता है, एक टेबल में प्राइमरी की होगी और सेम डेटा दूसरे टेबल में होगा एज अ फॉरेन की right? In equal join, all the columns from the joining table appear in the output even if they are identical. Equal join के अंदर जब आप tables को join कर रहे हो तो दोनों tables के जितने भी columns हैं वो appear करेंगे, चाहे बेशक से वो identical हो मतलब same हो, duplicate हो, फिर भी जितने भी columns हैं दोनों table के वो आपकी output table के अंदर आएंगे, resultant table के अंदर आएंगे। Okay? We can also give table alias निक नेम फॉर द टेबल नेम। आप टेबल नेम के लिए अगर आपको लगता है टेबल नेम बार बार यूज करना पड़ता है और वो बिग है तो आप एलियास नेम दे सकते हो, मतलब उसका निक नेम दे सकते हो। एंड फर्दर वी कैन यूज द नेम एनीवेयर इन द क्वेरी इन प्लेस ऑफ द टेबल नेम। और आप एक बार उसको एलियास दोगे तो मतलब उसका डुप्लीकेट नेम दोगे या निक नेम दोगे तो आप उस निक नेम को बार बार अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हो। ओके सिंटेक्स क्या है इक्वल ज्वाइन का, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल वन टेबल टू, टेबल वन से टेबल टू से वेयर। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो, वेयर टेबल वन डॉट प्राइमरी की कॉलम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट फॉरेन की कॉलम, के टेबल वन का जो प्राइमरी की कॉलम है वो किसके इक्वल है, टेबल टू के फॉरेन की कॉलम के इक्वल है राइट। तो यहाँ पे हम इक्वी ज्वाइन जो क्वेरी है वो परफॉर्म करेंगे और ये इक्वी ज्वाइन क्वेरी की क्या कंडीशन है कि ये दो टेबल्स के बीच में इक्वल टू साइन की हेल्प से क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है राइट। नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। ओके अब इक्वल ज्वाइन के लिए हम दो टेबल्स यहाँ पे लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं डेटा इसका शो करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल राइट, ये आपकी स्टूडेंट टेबल है विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। एंड सेकेंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। ओके तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है रोल नंबर एंड नेम, एंड सेकंड टेबल आपके पास फीस है जिसमें अगेन दो कॉलम है रोल नंबर एंड फी। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कॉलम को आइडेंटिकल रखा है रोल नंबर राइट। ओके तो आप अब हम क्या करेंगे इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर। अब जो ए है ना मैंने वो क्या लिया है, स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम लिया है, तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे, ए डॉट नेम। तो मैंने स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से नेम लिया राइट, बी डॉट फी, और फीस टेबल से मैंने फी को लिया राइट। फ्रॉम स्टूडेंट ए, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ए, हाँ स्टूडेंट ए क्या दिया है, स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम और यू कैन से निक नेम। ओके एंड फीस बी, और फीस टेबल का एलियास नेम क्या दिया है, बी। समझ आया। सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आप अदरवाइज क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पे लिखते फीस डॉट फी राइट। तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट टेबल का एलियास दे दिया ए और फीस टेबल का एलियास दे दिया बी। अब सिंपली हमने ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट नेम, बी डॉट फी दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट ए। अब यहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना होता है कि इसका क्या एलियास नेम दे दो टेबल का, स्टूडेंट ए फीस बी राइट। वेयर अब यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, रिलेशनशिप दिखाओगे, ए डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है ओके वो किसके इक्वल है, वो आपका फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है राइट। देखो आपका आ गया है, ये क्या है आपका इक्वी ज्वाइन, राइट। अब देखो आपने ए टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया था, तो स्टूडेंट टेबल से आपके पास रोल नंबर आया है, राइट। और आपने क्या लिया था, नेम लिया था, ओके, नेम भी आपका स्टूडेंट टेबल से आया। फी आपकी कहाँ से आई है, आपकी फीस टेबल से आई है। आपने क्या लिया, स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर, ओके, नेम और फीस टेबल से आपने ली फी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, दो टेबल्स की टपल को ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉमन रोल नंबर क्या है, आपको कौन कौन से टपल्स एक्सेस करने हैं जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर इक्वल है फी टेबल का रोल नंबर, राइट। तो टू वाला, राइट, टू वाला आ गया, फोर वाला, फोर आ जाएगा आपका, एंड आपका आ जाएगा फाइव। समझ आया, आपने कंडीशन क्या दी थी, जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है, फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है। तो आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर 2, नेम आएगा जया और फीस आएगी 4500, ओके। एंड आपकी सेकंड टपल क्या होगी, रोल नंबर 4, नेम दीक्षा, ओके, एंड फी क्या होगी आपकी 5500, राइट। एंड थर्ड टपल आपकी क्या आएगी, रोल नंबर 5, नेम प्रणव, एंड फी आपकी क्या आएगी 5000, ओके। तो ये आपकी टेबल आ गई है जहां पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है, फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है, राइट। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं इक्वल ज्वाइन का। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब हम क्या करें, सारे रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं ले रहे। फीस वेयर कंडीशन लगा देंगे, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, फाइन। अब मैंने क्या लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फीस, सारे कॉलम्स आ जाए स्टूडेंट के और फीस के, जहां पे लेकिन कौन से कॉलम्स आएंगे, कौन सी टपल्स इसमें आएंगी, कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे बट टपल्स कौन सी आएगी, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर की जो वैल्यू है वो फीस के रोल नंबर की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो, राइट। अब यहाँ पे इक्वल ज्वाइन में एक और कंडीशन होती है कि जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, राइट, दो कंप्लीट टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मींस जो सेम है, वो भी रिजल्टेंट टेबल में अपीयर करते हैं। देखो इसका रिजल्ट, एंटर प्रेस करती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट टेबल का, देन नेम। अब यहाँ पे 3 रिकॉर्ड ही आए हैं, क्यों, क्योंकि जहां जहां पे रोल नंबर आइडेंटिकल था दोनों का, देखो 245, 245, ओके। तो ये रोल नंबर एंड नेम किसका है, स्टूडेंट टेबल का है। फिर रोल नंबर एंड फी किसका है, फीस टेबल का है, राइट, ओके। अब यहाँ पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का और रोल नंबर आपका फी टेबल का दोनों आइडेंटिकल है, फिर भी ये क्या है, रिजल्टेंट टेबल में आए हैं इन केस ऑफ द इक्वी ज्वाइन, राइट, ओके। और जो आपका जो कंडीशन हमने दी थी, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर, जो तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल हो, फी के रोल नंबर के इक्वल हो। तो जहां जहां पे इक्वल है वहां पे क्या हुआ है, डेटा इसने टपल्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।